हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ठंडाई। होली भी आ रही है, होली पे लोग ठंडाई बनाते हैं, तो चलो ठंडाई बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए यहाँ पे एक बर्तन लिया है, उसमें हम डाल लेंगे आधा कटोरी काजू, आधा कटोरी बादाम, आधा कटोरी किशमिश, आधा कटोरी पिस्ता, कुछ केसर के धागे, ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हो, या खरबूजे के बीज खसखस वो भी ऐड कर सकते हो। ये है ठंडाई की जान। काली मिर्च, 10-15 इलायची, अब इसमें पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से भिगो देंगे। एक चीज़ और ऐड करेंगे जो ठंडाई में बहुत ज़रूरी है, वो है सौंफ। सौंफ सेहत के लिए ठंडी होती है, गर्मियाँ आ रही हैं तो ये ज़रूर डालें। मैंने यहाँ पे एक कटोरी सौंफ डाली है। आप अपने पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने सभी को अच्छे से मिला लिया है और अब इसको ढक्कन लगा के और साइड में रख देंगे। इसको हमें ओवर नाइट के लिए रखना है, कम से कम ये 7-8 घंटे के लिए हमें रखना है। देखो सारे ड्राई फ्रूट फूल गए हैं। अब हमें करना क्या है, एक बर्तन लेंगे, उस पर एक छलनी रखेंगे। इसमें जो पानी है एक्स्ट्रा वो उसको इसमें हम निकाल देंगे उसको। ये पानी हमको फेंकना नहीं है, इसको हम इसी में यूज करेंगे। तो ये सारा पानी मैं निकाल लेती हूँ इसमें, और सारा पानी निकाल लिया है। देखो बिल्कुल सारा पानी निकल गया है हमारा। अब हम लेंगे एक मिक्सी का जार, उसमें सारे ड्राई फ्रूट डाल लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ज़रूर। तो देखो मैंने सारा इसमें ये डाल लिया है, एक बार में ही सारा मिक्सर इसमें आ जाएगा। इसमें डाल लेती हूँ, फिर करेंगे हम नेक्स्ट प्रोसेस। मैंने सारा मिश्रण इसमें डाल लिया है। अब हम करना क्या है, ढक्कन लगा के इसको महीन पेस्ट बनाना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट करेंगे। मिक्सी को चलाते हुए बंद करते हुए हमें बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है। देखो वो जो पानी था मैंने इसमें ऐड कर करके बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है। बिल्कुल इसमें दाने नहीं है, हल्के फुल्के से दाने हैं वो तो अच्छे भी लगेंगे, लेकिन बिल्कुल बारीक पेस्ट। अब हम रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने डाल दी है 3 कप से मैंने चीनी ली है। आप मेजरमेंट या कप कटोरी एक डिसाइड कर ले, सभी चीज़ें उसी से ही नापे। मैंने 3 कप चीनी ली है, इसमें 2 कप पानी के ऐड करूँगी। और अब गैस को ऑन करेंगे और इसकी पहले चीनी घोल लेंगे। चीनी पानी में अच्छे से घुल जानी चाहिए। हम लगातार चलाते हुए मिलाते हुए चीनी को घोल लेंगे, जिससे होगा ये कि चीनी हमारी जल्दी से घुल जाएगी। गैस की फ्लेम को मैंने हाई रखा है और इसे लगातार चलाते रहेंगे। देखो चीनी हमारी घुल गई है। अब हमें करना क्या है, जो हमने पेस्ट पीस के रखा था हमारा, वो सारा मिश्रण अब इसमें डाल देंगे। आराम से डालना है क्योंकि चाशनी गर्म है, तो हम सारा मिक्सचर है वो इसमें डाल देते हैं। आप इस ठंडाई को ब्राउन शुगर में भी बना सकते हो। जहाँ पे मैंने चीनी यूज की है वहाँ पे आप ब्राउन शुगर ऐड कर ले, उससे भी यही टेस्ट आएगा, बहुत टेस्टी बनेगी। मैंने सारा मिश्रण इसमें डाल दिया है और अब अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स। अब हमें करना क्या है कि हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, बीच बीच में छोड़ भी देंगे, लेकिन लगातार चलाते मिलाते रहना है। और हमें ये गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेना है, जब तक हमारी ये चाशनी और जो मिश्रण है बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए तब तक हमें पकाना है। हमें ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना। मैं आगे आपको दिखाऊँगी इसकी थिकनेस हमें कितनी रखनी है। हमें इसे अच्छे से पका लेना है, कम से कम 10-15 मिनट ही लगेंगे, ये पक के तैयार हो जाएगा। यकीन मानो आप इसे 2-3 महीने के लिए फ्रिज में रख के आराम से यूज कर सकते हो, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। देखो हमारी जो ये ठंडाई है ये गाढ़ी हो चुकी है। अब हम कर देंगे गैस की फ्लेम को ऑफ और इसे अच्छे से होने देंगे ठंडा। ये बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। ठंडी होने के बाद थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी ये। तो हमारी यह मिश्रण ये बिल्कुल तैयार हो गया है ठंडाई का। गैस को कर दिया है बंद। आप इसे 2-3 महीने के लिए फ्रिज में रख के आराम से पूरी गर्मी में यूज कीजिए ठंडी ठंडी ठंडाई। देखो मिश्रण हमारा गाढ़ा हो गया है, ठंडा हो गया है। अब हम लेंगे एक कांच का बर्तन लेंगे, उसको धो के पोंछ के और धूप में सुखा लेंगे। उसमें थोड़ा बहुत पानी वगैरह नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। अब इसको भर के और फ्रिज में रख देंगे। मैंने एक जार भर के फ्रिज में रख दिया है। ऐसे हैं मेरे 2 जार बने हैं इतने से मिश्रण से, और बिल्कुल आराम से अब इसमें 2 चम्मच डालेंगे ठंडाई के हम। इसमें नहीं तो चीनी डालने की झंझट, नहीं और कुछ करने का झंझट। आप 2 चम्मच ये डालो, ऊपर से दूध डालो, मिलाओ घोलो और पी जाओ झट से।
तो प्लीज़ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। गार्निश के लिए थोड़े से पिस्ता डाल दिए हैं। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए ओके।